सम्मानित जन विश्वास महारैली की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय जगताप बाबू, मंचा सेन इस देश के गरीबों की आवाज, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मंचा सेन इस देश के और इस राज्य के नौजवानों के दिल की धड़कन भाई तेजस्वी यादव जी, मंचा सेन इस देश के महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, उत्तर प्रदेश के सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, मंच में बैठे सभी सम्मानित नेतागण उपस्थित, नौजवान मित्रों, माताएं बहनों, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। बड़े नेता हमारे देश से चल के आए हैं, आपके बीच अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह महागठबंधन और यह राष्ट्रीय जनता दल इस देश की ए टू जेड की चिंता करने वाली पार्टी है, यह गठबंधन है। इसलिए जो दिग्भ्रमण करने वाले, जो सांप्रदायिक ताकत इस देश में देश को बांटना चाहते हैं, चाहे कत्लेआम करना हो देश में, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस देश को बांट करके सिर्फ उनका मकसद सत्ता हासिल करना है, वैसे लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए महागठबंधन को आप मजबूत करें और आज इस रैली में यह संकल्प लेके जाए कि इस देश में हम भारतीय जनता पार्टी को, जो इस देश को गुमराह करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे और बिहार इतिहास का शुरुआत करने वाला यह क्रांतिकारी धरती है। आज संकल्प लेके जाइए कि 40 में 40 सेट हम इस देश में भारत के जो भाजपा की सरकार को भगाने में जो हमारा योगदान होता है हम बिहार से देंगे और 40 का 40 सेट महागठबंधन को जिता के भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, महागठबंधन जिंदाबाद। शुक्रिया, शुक्रिया रामा सिंह जी। अब मैं आग्रह करूंगा CPIML के कॉमरेड धीरेन्द्र, वो आए अपनी बात संक्षेप में रखें। कॉमरेड धीरेन्द्र, कॉमरेड धीरेन्द्र, आप आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। CPIML के कॉमरेड धीरेन्द्र जी, हमारे बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के में राहुल जी, राहुल गांधी जी भी आ चुके हैं। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी जी। संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगा। हमारे सभी महागठबंधन के वरिष्ठ नेतागण आ चुके हैं। मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि कल ही देश के प्रधानमंत्री की दो दो सभाएं हुई और दोनों सभाओं में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक गलती कबूल करने का काम किया है, उन्होंने पूरे बिहार को शर्मसार किया है। और आज गांधी मैदान किया रैली पलटू चाचा के लिए एक बड़ा संदेश दे रहा है कि बिहार पलट देगा, भाजपा को पलटेगा और नीतीश को भी पलटेगा और एक नया नेतृत्व बिहार में सामने आ रहा है जो बिहार को एक नए रास्ते में ले जाएगा। हम आप तमाम कामरेडों का, तमाम साथियों का, बिहार के गांव-गांव से आए हुए दलित गरीब मजदूरों से एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि बिहार में जो काम नहीं हो सका, एक नई सरकार बनेगी, सभी गरीबों को बसने के लिए आवास मिलेगा, सभी गरीबों को 3,000 रुपया पेंशन मिलेगा। तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि आंगनबाड़ी और स्कीम वर्कर जो 7 लाख की संख्या में है, सबको जीने लायक मजदूरी मिलेगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, गांधी मैदान का यह संदेश
पूरे देश के लिए बड़ा संदेश साबित होगा। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के जो जन भारत जोड़ो यात्रा में थे, फिर न्याय यात्रा में रहे, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सब लोग आ चुके हैं। तो अब सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगताप बाबू से कि वो स्वागत करें और उसके बाद प्रारूप शुरू हो। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपरीत परिस्थितियों में भी इस देश में मुस्तैदी से खड़ा होकर के नफरती और दंगाइयों से लड़ने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमान राहुल गांधी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। श्रीमती राबड़ी देवी जी, आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन साहब, आपका स्वागत है इस सभा के भीतर। हम सबों के नेता और नौजवानों के सबों के नेता जो सबको आज ऊर्जा दे रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माले के नेता श्री दीपांगर भट्टाचार्य साहब, सीपीआई के नेता श्री केडी राजा साहब, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, सीपीआई के सचिव श्री सीताराम येचुरी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, इस जनसभा में इस मंच पर बैठे हुए सभी माले, सीपीआई, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी स्वागत करता हूं कि गांव गांव से आए हुए झंडे पताका फहराते हुए जब अंतिम दिन चुनाव होगा तो अपने बीथों पर संघर्ष करने वाले पूरे बिहार के आए हुए कार्यकर्ता साथियों, आपका विशेष मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि अंतिम लड़ाई के दिन विचार चाहे जो दे, आप चाहे जिस विचार ले को लड़े, लेकिन आप ही अपने बूथों पर खड़ा होकर के पूरे इस देश के नफरती लोगों को हराने का आप काम करिएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सबका स्वागत करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगताप बाबू। हाँ, ड्रोन जो भी मैनेज कर रहे हैं, डी एरिया में ड्रोन नहीं आना चाहिए। सुरक्षा दृष्टिकोण से डी एरिया के बाहर ही ड्रोन रखना चाहिए। अब मैं अपने नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी से आग्रह करता हूं। इस रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जनविश्वास महारैली में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, कांग्रेस पार्टी के नौजवानों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, यूपी के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी,
सीताराम येचुरी साहब जी, दीपांकर साहब जी, डी राजा जी, महागठबंधन के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, बिहार के दूर दराज से आए हुए सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में आप लोगों का हाथ जोड़ करके आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और बिहार की पावन मिट्टी का वंदन हम करते हैं। आप सब लोग को सलाम है, प्रणाम है, आदाब है और बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं, माताएं बहनों को प्रणाम करते हैं, बच्चों को ढेर सारा प्रेम और हमारे उम्र के नौजवान भाइयों को यहीं से गले लगाते हैं। जहां तक मेरी नजर जारी है केवल लोग ही लोग नजर आ रहे, लग रहे समुद्र हो चुका है। मैदान में तो इतने लाखों लाख, 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए, लेकिन सड़कों पर पट्टर के कई लोग अभी बाहर फंसे हुए हैं। प्रशासन ने रात भर तंग किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ आप सब लोग यहां आए, तो आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। 3500 किलोमीटर हम लोगों ने 10 दिन में पूरे बिहार घूमने का काम किया और आप लोगों को हमने आमंत्रण किया था कि आप सब लोग पटना चले और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, तो आज रिकॉर्ड टूटा है, पूरी रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है। यही गांधी मैदान है, यहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला यही मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था, याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। इसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? पटना में, बिहार में पोस्टर लगवाने हैं नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। सोचो जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। महागठबंधन के साथियों को भी धन्यवाद देते कि विपरीत स्थिति में भी उन लोगों ने हमारा साथ दिया, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस पार्टियों ने, लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने कितना काम किया। जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% कराया, अति पिछड़ों भाइयों का हम लोगों ने 24% बढ़ाया, पिछड़े भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित बाधित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था,
किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। शिक्षा मित्र हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज के लोग हो, आंगनबाड़ी हो, उन सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, दुगुना किया। ममता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कई महीनों से रोक करके रखे, कैबिनेट में फाइल नहीं आने दे रहे। स्वास्थ्य विभाग से 1,30,000 का पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल दबार करके रखे हैं, लेकिन कितना भी दबाएंगे तेजस्वी खड़ा है आपकी लड़ाई में, आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा। तो इस लड़ाई में साथ है कि नहीं है, दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आदि आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है, आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है, उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का साथ है ना, विश्वास दिलाते हैं आप लोग। और आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे लेकिन आरजेडी का मतलब है आठ से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार नौकरियां विकास, राइट्स जॉब डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। बीजेपी के लोग जगह जगह तोड़ फोड़ करते रहते हैं, स्थिर सरकारों को तोड़ लिया जाता है। अरे कुछ विधायक इधर से उधर कर दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे? जनता जवाब देगी, जवाब दीजिएगा ना। कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग लालच के कारण घुटने टेकते हैं मोदी जी के आगे, भाजपा के आगे, लेकिन मुझे गर्व है अपने पिता पर। ये कितने वैसे बड़ी भी विपदा आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने लड़ने का काम किया, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। और हम विश्वास दिलाते हैं जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा। लड़ेंगे आखिरी सांस तक, ये विचारधारा की लड़ाई है। और आप सब लोगों को साथ आना होगा, सभी समाजवादी भाइयों को साथ आना होगा। कभी राहुल जी को ईडी का समन, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, हमारे बड़े भाई को तुरंत सीबीआई के लोग आ गए, अखिलेश जी को समन भेज दिया। हमारे तो पूरे परिवार को समन भेजा ही, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, ये बीजेपी के आईटी सेल वाले लोग से हम लोग डरेंगे। हम लोग डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे, जनता की लड़ाई में जनता के साथ खड़े रहेंगे। आप सब लोग वॉशिंग मशीन तो सुनते थे, वॉशिंग मशीन कितना बड़ा से बड़ा भी भ्रष्टाचारी जो होगा वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुलाई हो जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गया है, सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है। इसलिए ये वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी है। यहाँ आप जानते हैं
बीजेपी के लोगों ने दो दो उप मुख्यमंत्री बनाया, एक वो फाउल माउथ है, अनाप शनाप बोलता है, और दूसरा जो है लाउड माउथ है, बल बोला है। लेकिन आप सब लोगों को बोलेंगे कि ये जो उप मुख्यमंत्री जिनको बनाया है, जो बर बोले हैं, 14 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव नहीं लड़े और लड़े हैं और जीते हैं, तो आरजेडी से लड़े हैं और जीते हैं आखिरी बार भी। अरे हमारे चाचा तो पलटी मारते ही हैं, लेकिन सम्राट चौधरी भी काम नहीं है, 5-5 पार्टी बदल चुके हैं और आज तक चुनाव नहीं लड़े, तो ज्यादा हम लोग क्या कहें। लेकिन मोदी जी आए थे कल यहाँ, क्या बोल करके गए, वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, मोदी जी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है झूठ बोलने के। आप लोगों ने पिछले बार 40 में से 39 MP बीजेपी को जिताया, आज यहाँ बिहार के जिले जिले से हर लोग आए हैं। भाजपा के सांसदों से पूछना कि उनके जिला में भाजपा के लोगों ने क्या किया, बताओ मोदी जी ने कोई कारखाना दिया, कोई नौकरियां दी, पलायन रोका, गरीबी मिटाई, क्या महंगाई कम की, कहां से फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था वो भी नहीं दे पाए। जरा सवाल कीजिएगा कि आप कहते थे 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, क्या हुआ। इसलिए आने वाले समय में आकलन करके आप लोग निर्णय लीजिएगा और वोट देने का काम कीजिएगा। तो आप सब लोगों को ये कहना है कि भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। बताओ गोबर को गाजर का हलवा बना करके दे देते हैं, परोस देते हैं, झूठा लोग हैं ये लोग। इसलिए कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए, आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं, कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। मोदी जी जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था, लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया, आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया, जनता को दिया, रेलवे को दिया या पूंजीपति को दिया, किसको दिया, रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया, जितना कूली भाई था सबको नौकरी देने का काम किया, परमानेंट करने का काम किया, आपने कितना कूली भाई को क्या किया, जरा वो बता के देखिए। ये तो कुल्लर लालू जी ने कुल्लर चलवाए, कुल्लर रेलवे में, ताकि कुम्हार भाई सबको रोजगार मिले, ये काम किया लालू जी ने। आपने क्या किया, बिहार में चक्का कारखाना से लेके कई रेलवे का 3-4 फैक्ट्री दिया आपके रहते हुए 10 साल, आपने क्या किया। अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे, जो देश में कभी नहीं हुआ, मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया, बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है,
आदिवासी लड़ना जानता है, अच्छा क्या भाई लड़ना जानते हैं, अब कोई चप्पल तोड़वा देगा, अब कोई कुआ का पानी नहीं पीने देगा, अरे अब कुआ का पानी नहीं दस दस को कुआ बना लेगा, और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग, इसलिए भाजपा के लोग केवल बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बोलते परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं, पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहाँ इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। तो इसलिए ज्यादा कुछ इन लोगों पे हम नहीं कहेंगे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी यू टर्न जो लिए हैं, समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंश्योरेंस अब बीमा करा लेना चाहिए। अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ, क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई, अरे बताओ कोई ले सकता है क्या, कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई मोदी जी, क्यों हंस रहे थे, और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक बार गाना सुने है आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया, अरे चाचा जी चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम, लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है, बताओ सच्ची बात है कि नहीं, जदयू का कोई भविष्य है क्या, कोई भविष्य नहीं है, आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए आप सब लोगों को ये कहना है, एक तरफ इन लोगों का गठबंधन जो है, एक तरफ फिरका प्रस्त है और उनके साथ मौका प्रस्त है लोग है, एक तरफ फिरका प्रस्त, एक तरफ जो है मौका प्रस्त लोग है, इसलिए आप सब लोगों को ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप तेजस्वी से प्यार करते हैं, हाथ उठा के बोलो तेजस्वी से प्यार करते हो, मेरी एक बात मानोगे, हाथ उठा के मेरा एक काम कीजिएगा कि आप सब लोग गरीबों को जोड़ने का काम कीजिए, दलित भाइयों को सम्मान दीजिए, उनके दुख सुख में पति पिछड़ों का, आदिवासी भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का भागीदार बनोगे, बताओ हाथ उठा के बताओ बनोगे ना, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब आप लोगों को ही काम करना पड़ेगा, काम कीजिएगा ना, हम भी साथ रहेंगे, साथ साथ मिलकर काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेता सब लोग यहाँ है, राहुल जी है, अखिलेश जी है, खड़गे साहब है, डी राजा साहब, यचुरी जी, दीपावकर जी, लालू जी, आप लोगों के समक्ष बात रखेंगे, तो हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों को ढेरों धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं, मेरे साथ नारा लगा करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे।
हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, दोनों हाथ उठा के बोलिएगा भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के साथियों को, इतने कम समय में आप सब लोगों ने आयोजन किया। सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, विधायकों को, एमपीओ को, सबको हम धन्यवाद देते हैं इस रैली के सफलता के लिए। जय हिंद, जय बिहार। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी जी से आग्रह करता हूं, कि सबका बारी बारी से मैं नाम लेता जाऊंगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, बिहार की रवायत और परंपरा के अनुरूप उनका सम्मान खुद माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कर रहे हैं। अब श्री राहुल गांधी जी का सम्मान माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी। मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा भाई अखिलेश यादव जी का सम्मान करें, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल। मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं डी केसी वेणुगोपाल जी। अब मैं आग्रह करूंगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से कि श्री डी राजा जी का सम्मान करें। अब कॉमरेड सीताराम येचुरी जी, अब मैं आग्रह करूंगा प्रथम पंक्ति में जो हमारे महत्वपूर्ण नेतागण हैं, एक बार खड़े होकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हों, ये एक संदेश जाए पूरे देश में। नहीं नहीं छोड़ दो, साथियों आप सबों का धन्यवाद। मैं अब आग्रह करूंगा सीपीआईएमएल के हमारे साथी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी, ठीक है, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। हमारी जगह ले लीजिए। साथी अध्यक्ष जी, इस मंच पर मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी जी, सीपीआई के महासचिव कॉमरेड डी राजा, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, महागठबंधन के तमाम नेतागण, और फिर एक बार इतिहास की धारा को मोड़ने के लिए, नया इतिहास बनाने के लिए
गांधी मैदान में लाखों की तादाद में पहुंची बिहार की संघर्षशील जनता, आप सबको नमस्कार, आदाब, जय भीम, लाल सलाम। 50 साल पहले इस गांधी मैदान से नारा बुलंद हुआ था, भावी इतिहास हमारा है। आज फिर एक बार ये कहने के लिए हम यहां पहुंचे हैं, लोकतंत्र, संविधान, देश बचाने का नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ये ऐलान करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। हम यह कहने के लिए आए हैं पटना और दिल्ली की सरकारों से, सिंहासन खाली करो, जनता आने लगी है, बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। साथियों, देश में पिछले 10 साल से जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, उसके नाम में तो जनता है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता से कोई लेना देना उसका नहीं है। उसका अगर लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता, सत्ता के लालच, सत्ता के अहंकार उसके रग रग में है, उस पार्टी के। उस पार्टी का अगर कोई काम है तो वो काम है बुलडोजर से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, विपक्ष को, जनता को, उनके रोजी रोटी, जल जंगल जमीन के हक को, पूरे देश को, देश की अर्थव्यवस्था को रोक देना। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह बदल करके उस कमल की जगह पर बुलडोजर रख लेना चाहिए, और हम ऐलान करने के लिए आए हैं ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा। बुलडोजर से आजादी के लिए, आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए हम यहां आए हैं। किसान दिल्ली की सीमा पर एमएसपी की मांग को लेकर आना चाहते हैं, और ये सरकार जो अदानी अंबानी के आगे खुद कालीन बन करके बिक जाती है। अभी अंबानी के बेटे की शादी का नजारा हम देख रहे हैं, लेकिन जब किसान आना चाहते हैं दिल्ली में तो सड़क पर बैरिकेड लगते हैं, कील ठोक दिए जाते हैं, कटीले तार बिछा दिए जाते हैं, गोली चलती है, किसान शहीद हो जाते हैं। ये सरकार ये कहती है कि हम दुनिया में विश्व गुरु बनेंगे, गाजा के बच्चों को बचाने के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, लेकिन हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को, देश के अंदर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी जान को खतरे में डाल करके उनको इजराइल भेजने की साजिश ये सरकार रच रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद हो सकता है बिहार में भी आप नीतीश जी ये काम करना शुरू कर दे। अभी 8 मार्च का दिन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बड़ी बात होगी, लेकिन हिंदुस्तान में हमने कभी नहीं देखा था कि किसी पार्टी का ये काम बन जाए कि तमाम बलात्कारियों को संरक्षण देना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको सम्मानित करना, चाहे बिल्किस बानो के बलात्कारी हो या चाहे मणिपुर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले, उनको संरक्षण देने का काम ये सरकार कर रही है। और इसीलिए साथियों, हम लोग यहां आए हैं ये नारा देने के लिए, ये 24 का चुनाव ये आर पार की लड़ाई है, और इस चुनाव में बिहार ने एक बार ठान लिया, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि 40 के 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत का पूरा झंडा गाड़ देंगे, तो निश्चित तौर पर दिल्ली से इस सरकार का सफाया होगा। साथियों, बिहार में एक एजेंडा बन रहा था, पूरे बिहार में आपने देखा 2020 के विधानसभा चुनाव में जब हम लोगों ने कहा कि बिहार के नौजवानों को पक्की नौकरी मिलेगी, तो उस समय नीतीश जी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इस बार जब नीतीश जी इस तरफ आए थे कुछ समय के लिए, जब हम लोगों को मौका मिला, तो आपने देखा कि बिहार के अंदर न सिर्फ जातीय जनगणना हुई,
बल्कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, पूरे आरक्षण का विस्तार हुआ, पक्की नौकरी की मुहिम शुरू हुई और पूरे बिहार में बात यहां पहुंच गई कि नीतीश जी करीब 20 साल से विकास 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 कह रहे हैं, लेकिन उस विकास के चिराग चले वहां गरीबी का घना अंधेरा है। पूरे बिहार के 2/3 लोग 10,000 से कम आमदनी पर किसी तरह जीते हैं। तो नीतीश जी ने उस समय कहा था कि 2 लाख करीब 1 लाख परिवार को हम 2 लाख रुपए देंगे। नीतीश जी उस तरफ चले गए, लेकिन बिहार के गरीबों से हम कहेंगे गिन गिन करके वो 2 लाख रुपए उनसे लेना है। और ये जो साजिश चल रही है कि आय का प्रमाण पत्र अब नहीं दिया जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये जो धोखा बिहार के गरीबों के साथ साजिश चल रही है, इस साजिश को हमें रोकना है। तो साथियों, बिहार जो बदलने लगा था, बिहार और देश को बदलने के लिए आज जो हम इस पूरे मैदान में देख रहे हैं, लाल और हरा झंडा, लाल और हरे झंडे की ये एकता, ये दावेदारी, ये लाल और हरे झंडे की एकता और दावेदारी से ही बिहार बदलेगा और हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहेगा। आज हमारे सामने ये रास्ता है और इसी रास्ते को रोकने के लिए, इसी रास्ते को रोकने के लिए फिर नीतीश जी को उस तरफ ले जाया गया। हमने तो देखा था सीबीआई का इस्तेमाल, हमने देखा था ईडी का इस्तेमाल, हमने देखा था इनकम टैक्स का इस्तेमाल, इस बार हमने देखा कि भारत रत्न का इस्तेमाल भी इस देश में राजनीति करने के लिए, सत्ता को साधने के लिए हो सकता है। हमने देखा कभी चरण सिंह को दे करके वो किसानों पर गोली बरसाते हैं, कभी स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे करके स्वामीनाथन आयोग की उसको लागू करने की मांग करने वाले किसानों पर गोली चलती है, कभी कर्पूरी जी को, कर्पूरी जी जो राजनीतिक बंदियों को रिहा कर रहे थे अपने समय में बिहार के अंदर, पूरे बिहार में आरक्षण की बात कर रहे थे, शिक्षा के विस्तार की बात कर रहे थे, आज कर्पूरी जी को सम्मान देने के नाम पर आज के बिहार में हम देख रहे हैं कहीं विधायकों को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और जिनको तोड़ना संभव नहीं है, डराना संभव नहीं है, खरीदना संभव नहीं है, माले के जुझारू नौजवान विधायक मनोज बंजिल की तरह विधायक, उनको फर्जी मुकदमों में फंसा करके उनकी सदस्यता समाप्त करने की साजिश चल रही है। इस साजिश के खिलाफ पूरी एकता चाहिए, पूरा संघर्ष चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज ये जो गांधी मैदान का ये नजारा है, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। ये इंडिया गठबंधन जिसके बारे में ये बोलने लगे थे कि बिहार से बात चली थी और नीतीश जी मेजबानी कर रहे थे पहली बैठक की, अब तो नीतीश जी चले आए तब इंडिया का क्या बचा। हम ये बताने के लिए आए हैं कि किसी एक नेता के इधर उधर होने से, किसी एक सरकार को दखल कर लेने से, कुछ विधायकों को तोड़ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता है जमीन पर और बिहार है लड़ने वाला प्रदेश, तो बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। इसी के साथ आप तमाम साथियों को, हमने देखा कि रात में काफी बारिश हुई, हमारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई, बावजूद इसके इतनी मेहनत करके तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए लाल हरा झंडा लेकर के बिहार के कोने कोने से बिहार के गरीब यहां पहुंचे हैं। वो लाल झंडा जो मास्टर जगदीश का, लाल नरेश राम का, बूटन मुसहर का झंडा है, वो लाल झंडा और बिहार के अंदर कर्पूरी जी का, जयप्रकाश जी का ये जो हरा झंडा, ये दोनों की एकता आज पूरे बिहार को बदल देगी, दोनों की एकता हिंदुस्तान को बदल देगी। इसी के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। शुक्रिया कॉमरेड। अब इस श्रृंखला में चूंकि राहुल जी और खड़गे साहब की फ्लाइट का जो एटीसी ने टाइम दिया है वो 3:40 का है, तो उसी दृष्टिकोण से हमारे तमाम वक्ता बात रखेंगे, क्योंकि आखिर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी आपको संबोधित करेंगे। हम जानते हैं आप सब लोग उनको सुनने आए हैं। अब मैं आग्रह करता हूं, इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं आखिर आग्रह करता हूं कॉमरेड डी राजा, वो आए अपनी बात रखें।
माय वेरी बिलव्ड लालू जी, खारगे साहब, तेजस्वी, डियर तेजस्वी, डियर राहुल जी, डियर अखिलेश, कॉमरेड सीताराम येचुरी, कॉमरेड दीपंकर, मंच पर बैठे हुए अन्य नेतागर, भाइयों बहनों, कॉमरेड्स, फ्रेंड्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का तरफ से मेरा लाल सलाम, सबको लाल सलाम। कॉमरेड्स, फ्रेंड्स, हम इधर आया जन विश्वास रैली में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मेरा एक अपील है, बिहार बचाना चाहिए, इधर बीजेपी हटाना चाहिए। बिहार बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश पूरा हम बोल रहा हूं, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। कल हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी इधर आया, क्या बोला मोदी जी, सब चीज पर अभी मोदी शुरू किया, मोदी का गारंटी है, मोदी का गारंटी है। क्या मोदी का गारंटी है, मोदी क्या बोला, पहले प्रधानमंत्री आना समय अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एवरी ईयर 2 crore जॉब्स विल बी क्रिएटेड, नाउ 10 years आर ओवर, आई एम आस्किंग मिस्टर मोदी, 20 crore jobs should have been created. How many jobs you have created, Mr. Modi? What is our guarantee? Is it guarantee or is it jumla? Is it jute? I am asking. Mr. Modi bola, black money will be unearthed and black money will be brought back. Every citizen will have 15 lakh rupees in the account. क्या बात मिस्टर मोदी, वेर इज दैट 15 lakh? आई एम आस्किंग यू, अब मिला आपका मिला 15 lakh रुपी, मोदी मैजिक है, मोदी जुमला है, मोदी जुमला है, मोदी लायर है, रेटोरिक है। मोदी बोला सबका साथ सबका विकास, मैं पूछ रहा मोदी आपका साथ है, बोले यार मोदी आपका साथ है, मोदी गरीब लोग का साथ नहीं है, मोदी किसान का साथ नहीं है, मोदी मजदूर लोग का साथ नहीं है, मोदी नौजवान का साथ नहीं है, मोदी किसका साथ है, मोदी पूंजीवादी लोग का साथ है, मोदी अडानी का साथ है, मोदी अंबानी का साथ है, मोदी कॉर्पोरेट हाउसेस का साथ है। मोदी बोल रहा अभी इंडिया विल बिकम लार्जेस्ट इकोनॉमी। मिस्टर मोदी प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज इकॉनमी, प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर यू अबॉलिश प्लानिंग कमीशन, यू स्टार्टेड नीति आयोग। व्हाट इज दैट नीति आयोग मिस्टर मोदी, आपका मालूम है व्हाट इज दैट नीति आयोग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर बीइंग प्राइवेटाइज, हाउ कैन यू अबॉलिश पॉवर्टी, how can you give access to education, employment to my dalit children, to my adivasi children, to my obc children? I am asking mr modi, after he became prime minister, aap log jante malum padna hai ye bjp sarkar nahi hai, ye rss ka sarkar hai, ye rss ka ideology hai, डिविजिव सेक्टेरियन कम्युनल फासिस्ट आइडियोलॉजी है। ये आरएसएस कंट्रोल्स दी गवर्नमेंट डायरेक्टली, ये आरएसएस बीजेपी कंबाइन देश का हालत खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर वॉज द प्राइम आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन is subverted, parliament is becoming redundant,
democracy is dying. India should remain as a secular democratic republic. Now Modi just bol raha, BJP RSS combined bolta hai, India ye theocratic state hai, ye religion based state hai. Hum ye agree karega? Isliye hum bol raha, ye Modi sarkar BJP RSS combined desh ka dushman hai, democracy ka dushman hai, संविधान का दुश्मन है. ये देश बचाना है, हमारा देश है, इंडिया हमारा देश है. मोदी का सिर्फ मोदी का देश नहीं है, सिर्फ आरएसएस का देश नहीं है, इंडिया हमारा देश है, हमारा देश बचाना चाहिए. इसलिए हम बोल रहा बीजेपी हटाना चाहिए, देश बचाओ बीजेपी हटाओ. 2024 पार्लियामेंट चुनाव में ये बिगड़ का अंदर बीजेपी हटाना चाहिए. तेजस्वी का लीडरशिप में मगा गठबंधन जीतना चाहिए. यह जनविश्वास में संकल्प होना चाहिए. यू ऑल शुड गो विथ अ प्लज विथ अ रिजल्व. यू विल डिफीट बीजेपी एंड सी द मगा गठबंधन एडेड बाय तेजस्वी विल विन द इलेक्शन. And Bihar bachao, desh bachao. Thank you very much. Shukriya, shukriya, comrade D. Raja. Ab main request karunga, hum log sab samay ke prabandhan mein lage hue hain. Main agrah karunga, comrade Sita Ram. माननीय राबड़ी देवी जी और मंच पे उपस्थित हमारे कॉमरेड दीपंकर, कॉमरेड राजा और बाकी सभी नेतागण और मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले मैं एक चीज को याद करना चाहता हूं किसी इसी मैदान से कि देश की राजनीति बदलने वाली इस तरीके के रैलियां हुई थी. जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया था यहां से, उसके चलते हुए देश का इतिहास ही बदल गया. उसके बाद लालू जी के नेतृत्व में यहां पर एक गरीब रैला हुआ था, एक लाठी रैला हुआ था और ये रैला जब यहां से गांधी मैदान से हुई, उसकी आवाज गूंजकर दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ जनता के हित में. तो इस बार भी ये जन सैलाब यहां से, ये सिर्फ इन रैलियों की बात नहीं है, अपने भारत का इतिहास ही पलट कर देखिए आप. जब भी पाटलिपुत्र से एक आह्वान होता है इंद्रप्रस्थ में सत्ता बदलता है, तो आज इस पटने से ये जो आवाज उठ रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो इस बदलाव का ये एक शुभ संदेश है. और ये शुभ संदेश जो है आज पूरे देश में फैलेगा, बिहार तक सीमित नहीं रहेगा. लेकिन आज क्यों कह रहे हैं कि हमें मोदी को हटाना है, इस मोदी सरकार को हटाना है? ये जन विरोधी तो है ही. देख ही रहे हैं कि किस तरीके से गरीब जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है. सब सह रहे हैं इस बात को. एक तरह से बेरोजगारी, दूसरे तरह से महंगाई और बेकारी और गरीबी. लेकिन दूसरी ओर से सबसे अहम बात जो कर रहे हैं, हमारा देश का चरित्र ही बदलना चाहते हैं. एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य से एक कट्टरपंथी, हिंसावादी, नफरतवादी, एक फांसीवादी हुकूमत की तरफ वो पहुंच रहे हैं. अगर इसके ऊपर, इस तानाशाही के ऊपर, फांसीवादी तानाशाही के ऊपर अब अंकुश नहीं लगेगी, तो देश के अंदर जनतंत्र नहीं बचेगा,
हमारा संविधान नहीं बचेगा। हमारे संविधान की व्यवस्था को बचाना है आज तो इस सरकार को गद्दी से उतारना अनिवार्य है। और ये जो काम है ये एक देशभक्ति का कर्तव्य है। आज देशभक्ति का प्रतीक है कि आज जनता की मोदी साहब की इस सरकार को हटाना है हमारे भारत को बचाने के लिए। और ये भारत को बचाना है ताकि आने वाले दिनों में इस भारत को हम बदलेंगे एक भारत बेहतर भारत हमारे देश और जनता के लिए। लेकिन मोदी साहब तो रोज आके कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। अरे गारंटी मोदी साहब, आपके गारंटी के अंदर किसी को भरोसा नहीं है। मोदी साहब की गारंटी है जीरो गारंटी। आपने 10 साल पहले कहा नौजवानों से 2 करोड़ हम रोजगार जो है 2 करोड़ हर साल उसकी सृष्टि करेंगे। हुआ क्या? आज हमारे इतिहास में आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश के अंदर है। आपको हमारे देश के अन्नदाता किसानों ने जबरदस्ती अपने आंदोलन करके इस कृषि कानून को वापस लेने के लिए आपको जोर लगाया, जिसके चलते हुए आपको वापस लेना पड़ा। साथ ही साथ आपने गारंटी दिया न्यूनतम दाम देंगे उनकी फसल के लिए, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपने वादा किया उस वादे को आज पूरा नहीं कर पाए। अरे मोदी साहब के गारंटी सब जुमले है जुमले। जो असली गारंटी है जो काम करके दिखाता है, और ये काम बिहार के अंदर अपने भाई तेजस्वी ने करके दिखाया। कितने लाखों के लिए यहां पर नौकरियां दी, और ये है गारंटी। गारंटी का मतलब है वो जनता तक पहुंचना है, और उस गारंटी को जनता तक पहुंचाना है तो भाषणों से नहीं काम से होता है। और वो काम करने के लिए ये महागठबंधन और देश के अंदर इंडिया जो बनी है वो समूह वो मिलकर एक आज वैकल्पिक सरकार ले आएंगे। इसलिए क्योंकि कई सारे वक्ता है, आखिर में मैं एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि मोदी साहब कहते हैं कि ये अमृतकाल है। अमृतकाल चाहते हैं हम देश की जनता के लिए, हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। लेकिन अमृत की पैदाइशी कैसे हुई? समुद्र मंथन से। जब अमृत पैदा होता है समुद्र के चारों ओर देवी देवता बैठे थे, गलत लोग भी बैठे थे, राक्षस भी बैठे थे। अब जब अमृत के साथ साथ 2 कलश निकलते हैं, एक अमृत और एक जहर का, और इत्तेफाक से जहर का कलश जो है देवियों के देवताओं के हाथ में आ जाता है और अमृत का कलश गलत लोगों के हाथ में चला जाता है। ये वही विष्णु पुराण बताता है। अब ये देवता लोग कैसे अमृत का कलश वापस ले अपने हाथों में, वो अलग कहानी है। लेकिन हम और आप और अपना देश आज उस मुकाम पर खड़ी है जब गलत लोगों के हाथ में ये अमृत का कलश पहुंचा है। अगर अमृत का लाना है तो इस अमृत के कलश को गलत लोगों के हाथ से यानी मोदी सरकार के हाथ से इसको खींच कर ले आना होगा हमें जनता के हित में और हम सबके हित में। और ये काम करना है तो इस सरकार को हटाना है हमारे देश के हित में, लोगों के हित में। तो आइए सब मिलकर आज इस गांधी मैदान से जब भविष्य बदलने वाली आह्वान जो अक्सर हुआ करती थी वो फिर से दे कि आज आने वाले दिनों में भारत को हम बचाएंगे मोदी सरकार को हटा के, और आगे को भारत को हम बदलेंगे एक बेहतर भारत के रूप में। ये काम के लिए बिहार की जनता उठेगी और वो उन बात फैलेगी पूरे देश भर में। इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ मैं आप सबको मेरी लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद। शुक्रिया कॉमरेड। एक सूचना इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, सुदमिया देवी लालपुर गांव नवादा की, वो खो गई हैं। उन वो जिनके संपर्क में आए बिस्कोबान भवन तक का उनको पहुंचा दें। अब मैं आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी से आए और आपको समझ
मंच पर उपस्थित हमारे आपके और देश के बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन पर हमें और आपको विश्वास है, वो लगातार जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक जन विश्वास महारैली के नायक नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी, महासचिव सीपीएम सीताराम येचुरी जी, डी राजा साहब, सीपीआई एमएल दीपांकर भंडाचार जी, केसी वेगनु गोपाल जी, जनाब अब्दुल बरी सिद्दीकी साहब, तेज प्रताप यादव जी और मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता और इस ऐतिहासिक मैदान में उपस्थित बिहार की महान जनता, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को और उनके दल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जितने भी दल हैं, जिनके कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं मैदान में तो है ही, पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं, जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है, 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है, और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी, समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है, लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं जब बिहार आया हूं आपके बीच में, जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो एक युवती ने जान दे दी, एक बेटी जो परीक्षा में देकर के आई थी, क्योंकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पेपर लीक हो गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और कहा कि मां बाप से मैं माफी मांगती हूं। ये उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं हुई है, उससे पहले भी कई नौजवानों ने जिनको नौकरी नहीं मिली उन्होंने अपनी जान दे दी। जिस शेर से मैं चुन करके आता था वहां भी एक ब्रजेश पाल बेटे ने हमारी आपकी उम्र से कम उम्र, उस नौजवान ने पढ़ी लिखी डिग्री जो थी उन डिग्रियों को जला करके और आत्महत्या कर ली। ये हालत है देश की, और वहां पर उत्तर प्रदेश में जहां पर से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं, जनता ने भरोसा किया उन पर,
उनको बहुमत दे दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी ने यहां पर नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिए, और हम तो वहां 60 लाख बच्चे जिनको पेपर नहीं लिख पाए उनका हिसाब किताब लगाते हैं। उनका अगर हम बड़ा परिवार न माने, केवल 3 सदस्य परिवार के माने, बेटा और माँ बाप, तो 60 का गुणा 3 1,80,00,000 वोट, और 1,80,00,000 लोगों को अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभा से, तो केवल उत्तर प्रदेश में 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हो गया है। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया। अभी 3 लाख नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला, और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं, परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। मैं तो ये जोश देख रहा हूं यहां मैदान में, ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा, यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है, तो इस बार उन्हें आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे? पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें। इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं, यूपी वाले भी बाहर कर रहे हैं उन्हें। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हुआ, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो इस रैली में पधार करके न जाने कितने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, न केवल यूपी के लोगों का, बिहार और देश के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, और जो तकलीफ और परेशानी उन्होंने जीवन में देखी है वो राजनीतिक देखी है, ये राजनीति की वजह से तकलीफ और परेशानी है। मैं अभी तेजस्वी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक एजेंसी आ गई, ये एजेंसी इसलिए आई है कि राजनीति में हम लोग हैं, और हम लोग अगर इनका मुकाबला न कर रहे होते तो कोई एजेंसी नहीं आती। उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 120 हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ, भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, भाजपा हटाओ संकट मिटाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब कभी हम लोग अगली बार मिलेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार बाहर होगी, यूपी से लेकर के बिहार तक भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। शुक्रिया अखिलेश भाई। अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी जी से, जिन्होंने पूरे देश में यात्रा करके कण कण और जन जन को पहचाना।
खड़गे जी, लालू जी, रबड़ी देवी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, सीताराम येचुरी जी, दी राजा जी, दीपंकर जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, तारे कन्वर जी, शकील खान जी, गठबंधन के वरिष्ठ नेता और गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, इतने मित्र नहीं है प्रेस वाले, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है, यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? यह नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? भाई और बहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याय है। अन्याय युवाओं के खिलाफ, अन्याय आप सबके खिलाफ, अन्याय किसानों के खिलाफ, अन्याय सामाजिक, अन्याय आर्थिक, अन्याय। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। एक तरफ नोटबंदी की, दूसरी तरफ जीएसटी लागू की, नतीजा यह हुआ जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद हो गया। जहां भी देखो बड़े 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 उद्योगपतियों की मोनोपोली बन रही है,
एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सारे की सारी नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्योगपति को पकड़ा दी। आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं, कितनी आबादी है पिछड़ी जात की? 50% दलितों की कितनी आबादी है? 15% आदिवासियों की कितनी आबादी है? 8% कितनी बनती है भाई, कितनी होती है? 73-73%। अब देखिए, 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला। उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े इनके जो पत्रकार है उनकी लिस्ट निकालिए, आपको 73% में से एक नहीं मिलने वाला है। उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, स्कूल और कॉलेज जो चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हिंदुस्तान को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं आईएएस वाले, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 3 पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, 3 दलित मिलेंगे और 1 आदिवासी मिलेगा। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो 73% की 6% की 6 रुपए की भागीदारी बनती है। तो ये जो 73% है और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी जोड़ लो। इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले क्या होता था, पहले पब्लिक सेक्टर होता था, उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था, नौकरी मिल जाती थी, सरकार में रोजगार मिल जाता था, जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किया, कर्नाटक में, तेलंगाना में हम कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। सेना में आप जाते थे वहां अग्निवीर लागू कर दिया, अब देखना अग्निवीर लागू किया, और अग्निवीर में पहली बार इस देश में 2 तरीके के शहीद होंगे। एक शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी और उसे गांव में शहर में आदर मिलेगा। दूसरा शहीद होगा, अग्निवीर होगा, वो शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी। एक तरफ चाइना के सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे युवाओं को नरेंद्र मोदी 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनके सामने खड़े करने की कोशिश कर रहा है। नतीजा आप जानते हो, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि लालू जी को बोलना है। ये देखो, लालू जी को बोलना है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। शुक्रिया बहुत बहुत राहुल जी। अब मैं आग्रह करूंगा संसदीय अनुभव के धनी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो आए और संदेश दे। आज के इस जनविश्वास महारैली में पधारे हुए श्रीमान राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, अखिलेश यादव जी, सीताराम येचुरी जी, डॉक्टर राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जी, केसी वेणुगोपाल जी, जगदानंद सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मदन मोहन झा जी, तारिक अनवर साहब और कन्हैया जी, अभी आपने सभी का भाषण सुना और तेजस्वी यादव जी, ये जो एक जनविश्वास महारैली यहाँ पर बुलाई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी रैली आज हम इस गांधी मैदान में देख रहे हैं। ये बिहार में जनविश्वास यात्रा जो आयोजन तेजस्वी जी ने किया उसके लिए तो मैं बधाई देता हूं और बिहार से राहुल जी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आप लोगों ने भारी समर्थन दिया, इसके लिए भी आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। भाइयों, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, आज देश को बर्बाद करने में मोदी जी लगे हैं और मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि मेरी गारंटी, अब वो बीजेपी गारंटी नहीं बोलते या उनके सरकार की गारंटी नहीं कहते, वो हमेशा ये कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी। मैं बताता हूं मोदी जी की गारंटी क्या है। मोदी जी की गारंटी यह है, उन्होंने 2014 में यह कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को दूंगा। क्या उसने दिया? क्या उसने 2 करोड़ नौकरी दी? अरे एक प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? आप झूठ बोल रहे हैं, मोदी झूठ बोलता है? नहीं, ठीक है। अब फिर उसने ये कहा कि बाहर से काला धन लाकर हर एक को 15-15 लाख उसके जोब में डालूंगा बोला। आपको 15 लाख मिले? नहीं मिले? फिर मोदी झूठ है क्या? आप झूठ है, मोदी झूठ है। फिर 2022 तक सभी लोगों के लिए पक्के मकान मैं बनाऊंगा कहा। क्या पक्के मकान सबके बने? नहीं बने? तो मोदी झूठ है क्या? लोग झूठ है? मोदी झूठ है। किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का उन्होंने वायदा किया था, क्या उसने हर एक को मकान दिया, पक्का मकान दिया? नहीं, नहीं। तो वो झूठ है, यानी मोदी जी झूठों के सरदार है। उसके बाद पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने वायदा किया और धोखा दिया और 10 सालों में
मोदी जी घूम घूम कर इस योजनाओं का उन्होंने प्रचार किया, लेकिन आज किसी को भी वो फायदे नहीं मिले। फिर भी वो कहते हैं कि बेरोजगारी निकालूंगा। अरे उस इतने कीमतें ऊपर गए हैं, फिर भी मोदी ये कहते हैं कि मैं सारे लोगों को सुखी और समृद्धि करूंगा। भाइयों, मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में, क्योंकि नौकरी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, काम नहीं। आज मोदी के स्टेट में 25,000 लोग 3 साल में मर चुके हैं, सुसाइड कर लिए। 500 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं, फिर भी मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी क्या है? सबको मालूम है, सबको धोखा देना यही गारंटी है आपकी। भाइयों, मैं दूसरी बात ये कहूंगा, उन्होंने नौकरी का वायदा किया था, उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी ने जो वायदा किया था वो उसने करके दिखाया। और आप लोगों को 3 लाख नौकरियां उन्होंने दी, तो ये समझिए इंडिया गठबंधन वाले जो कहते हैं वो करते हैं, उसका उदाहरण यही है। तीसरी बात, आज इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर रही, मोदी का मुकाबला कर रही। जब तक आप मोदी को नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि नहीं रहेंगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचना है, लोकतंत्र बचना है, तो आप सभी लोग मोदी को हटाना चाहिए, बीजेपी को हटाना चाहिए, क्योंकि ये हर युवाओं का, हर आदमी का ये इच्छा है। इसलिए भाइयों, पहला काम हमारे नौजवान साथियों से मैं अपील करता हूं, ये आपका काम है, देश का संविधान बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये आपका काम है। और एक बात मैं कहता हूं, आज जो भी इस ऐतिहासिक पटना में जो वायदे हो रहे हैं, सब लोग मिलके यहाँ पर आए हैं, तो वो आज मजबूती से काम करना चाहते हैं। ये बीजेपी ईडी को लेके, इनकम टैक्स को लेके, विजिलेंस को लेके डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये डराने का, धमकाने का काम बीजेपी करेगी, मोदी करेगा, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। हम कट जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं। तो ये इसीलिए तो आज लालू जी के ऊपर इतने केस है, वो जब छुटाते हैं एक के बाद एक केस करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सरकार के सामने झुके नहीं, सरकार के सामने कभी उन्होंने शरण नहीं गया। लेकिन तेजस्वी जी कहां गए? उनके चाचा शरण में गए, आपके चाचा शरण में गए और बोल रहे हैं बाहर जाके, मैं थोड़े दिन के लिए बाहर गया था। कौन ये तो नीतीश ने बोला ना, नीतीश ने क्या बोला? थोड़े दिन के लिए बाहर गया था, मैं फिर वापिस आया हूं, आपके चरणों में ही मैं रहूंगा, ये उसने कहा। लेकिन आपके चाचा तो
मामू की चाय पीने के लिए गए हैं। आपके चाचा मामू की चाय पीने के लिए गए हैं, लेकिन कल वो चाय पी के वापिस आएंगे, फिर नहीं लेना आपको, फिर उनको वापिस नहीं लेना। इसीलिए जो लोग आइडियोलॉजिकली तत्वों के ऊपर अपनी अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाते, तत्वों के आधार पर लड़ते नहीं, उन लोगों को आप कभी लेना नहीं। और फिर हम मिल के करना है, जरूर 2024 में हम सभी मिलके ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे और बीजेपी को हराएंगे, यही मैं बात करता हूं। आखिरी एक शेर कहके मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। खोटे, अरे जरा सुनो, खोटे सिक्के उछालते रहिए भाइयों, खोटे सिक्के उछालते रहिए, काम अपना निकालते रहिए। ये मोदी को बोल रहा हूं मैं, मोदी जी। और आज हमारे तेजस्वी के चाचा जो गए उनके लिए बोल रहा हूं, खोटे सिक्के उछालते रहिए, काम अपना निकालते रहिए, लोग सीधे हैं जो उन्हीं यूं ही झूठे वायदों पे टालते रहिए, लोग सीधे हैं जो उन्हें यूं ही झूठे वायदों पे टालते रहिए। ये है बच्चे पहल की जाएंगे, ये है बच्चे पहल ही जाएंगे, आप पानी उबालते रहिए, आप पानी उबालते रहिए, माल जैसा मिले मेरे ड्राइवर, माल जैसा मिले मेरे ड्राइवर, अपनी झोली में डालते रहिए। ये मोदी का है, वो अपने झोली में डाल रहा है। अब चाचा भी गए तो उनकी झोली भरने के लिए गए हैं, हमको लड़ना है, लड़ते लड़ते जब लड़ेंगे नहीं, जीत हासिल नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से यही अपील करूंगा, आप मजबूती से लड़ो, हम आपके साथ हैं। पूरे हमारी यंग टीम जितने भी यहाँ बैठी है, अखिलेश हो, तेजस्वी जी हो, राहुल गांधी जी हो, और पूरे पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, मजबूती के साथ लड़ के आपके हकूक हम दिला के रहेंगे, यही मैं बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, इतने नौजवान लोग हैं, मेरा जैसा आदमी बोल रहा है। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सबको। शुक्रिया खरगे साहब। साथियों, आप 8 बजे सुबह से आपकी निगाहें जिन्हें ढूंढ रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी आपके समक्ष आ रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय के झंडे को पूरे देश में स्थापित किया, जिन्होंने जब रेलवे को हाथ में लिया तो कायाकल्प करके रख दिया, जिनके नाम से आज एक बहुजन सामाजिक न्याय की विचारधारा अलग अलग जगह जा रही है। मैं उस महबूब नेता के लिए आपसे कहता हूँ, लालू यादव जिंदाबाद, 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 सामाजिक न्याय जिंदाबाद, 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 लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आप अपने प्यारे प्यारे महबूब नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुने, आप 8 बजे सुबह से उनका इंतजार कर रहे थे। ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों,
इस रैली में देश भर के गठबंधन के सभी हमारे नेता श्री राहुल गांधी, खड़गे जी, येचुरी जी और सीपीआई के नेता, आप सभी लोगों से हमारे नेताओं ने तेजस्वी यादव ने जब जन विकास रैली में गए थे बिहार के कोने कोने में, इनका भाषण हो रहा था आपके बीच में, तो तेजस्वी यही आपसे अपील कर रहे थे कि गांधी मैदान में 3 तारीख को आइए, पापा ने बुलाया है। और 10 दिन तक आपके आंगन में, आपके खेत और खलिहानों में तेजस्वी यादव बिना सोए हुए घूमते रहे। अभी ज्यादा कसरत करने की जरूरत यह है कि सभी अत्यंत पिछड़े भाई, पिछड़े वर्गों के लोग, दलित भाई के बीच में अभी हम लोग को मेहनत करना है जाकर। उन्नीस सौ नब्बे में आप सबको, हमारे नौजवानों को पता है या नहीं, लोकतंत्र में जो हमें अधिकार है, दलित पिछड़े आदिवासियों को इससे दूर रखा जाता था वोट के अधिकार से, और वोट और मतदान केंद्र, ये जो बड़े बड़े लोग थे, सामंती लोग, ये सब अपने दरवाजा पर रखते थे बूथ को कि गरीब आवे नहीं। और उनको, उनके वोट को लूट लिया जाए, हमने ताकत दिया लोगों को, ताकत दिया। इसी गांधी मैदान में सभी छोटी छोटी जातियों का सम्मेलन कराया, जातीय सम्मेलन, सबको बुलाया है यहां, सबसे भाषण कराया, और पूरा बिहार में ही नहीं देश भर में गरीबों को जो अधिकार दिया, मंडल कमीशन लागू कराया। इस मंडल कमीशन का नतीजा हुआ कि आज कोई भी जो अपने को बड़े आदमी कहते, गरीबों के तरफ आंख नहीं दिखाता। हिम्मत नहीं है, पहले तो चापाकल नहीं था, नल नहीं था, कुआं हुआ करता था, इनार जिसको बोलते, इनार पर, सुनो ना भाई, इनार के ऊपर अगर कोई
ऊंच जात के महिला पानी भरती थी और ये दबे कुचले लोग ये अगर कुआं में डाल दिया साथ में पानी में तो उस पानी उसको बाहर निकाल दिया जाता था। अब कुआं में के पानी को शोध करके पानी को तब लोग रखते थे ऐसे पानी फेंक देते थे। मंडल कमीशन का पूरा सारे देश भर में फैलाव हुआ और फैलाव ही नहीं हुआ, सत्ता में पिछड़े वर्गों के लोगों का पूरा कब्जा होने लगा। आज वही नतीजा है, नतीजा है कि आज हर पिछड़ा वर्ग और दलित गरीब आदमी सत्ता के मुख्य दरवाजे पर आके खड़ा है। ये मोदी क्या है? मोदी को मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माता जी जब और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब आसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। राम रहीम के बंदों में ताकि भगवान जी को यही प्राण पखेरू प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे, बिहार में राजा दशरथ के जनकपुर में रामचंद्र जी का ब्याह हुआ, शादी, और बिहार जैसा राज एक से एक यहां पर वीर, एक से एक सुरमा यहां पैदा लिए बिहार में। इसी गांधी मैदान में
न जाने कितना बार देश भर के नेताओं का सभा और मीटिंग हुआ और यहीं से देश भर में संदेश गया, बिहार का हवा, इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। और आज कल ही होने वाला है मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचारी बैठी है, अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया और हम पूरा बीमार जरूर हैं, लेकिन बीमार हम समय पर नहीं हैं। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा, मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतना ताकत दिया, लोगों को रोजी रोजगार नौकरी दिया। तेजस्वी, हम रोज पूछते थे कि आज कितना दिया। फिर सिपाही में कितना हुआ, फिर ये भी हमने कहा कि रिजर्वेशन कर लो तब सिपाही का बहाली करो, ताकि उसमें सभी पिछड़े दलित लोगों को मिले, सिपाही में संख्या बढ़े। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था, लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जापा कर रहा है, कोई कुछ। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके क्या? तीन बार पेट को उभरा रहे हैं, इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा नीतीश कुमार का। आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और फायदा ले लेगा। गांधी मैदान का आज का ये रैली, मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्नाबूद कर देंगे हम।
रखा है, हटा दिया। बताइए नीतीश कुमार बिना तेजस्वी को मालूम हो गया था कि राजभवन में नरेंद्र मोदी से राज्यपाल ने वहां समय देकर के बात कराई, लोग बात कर लिया था। कोई ऐसा सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ कि अपना नीतीश कुमार इनको पता नहीं क्या लगा। ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल झुलनिया में धाका बजन, लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो। अब फिर एन एन लौट के आवे के हिम्मत करी है, तो से बढ़िया से धक्का मिली। फिर अब आप लोग अभी से लग जाइए जाके अत्यंत पिछड़ा वर्ग दलित इन वर्गों तबकों में पूरा इनके घर पर जाइए, मिलिए, खाइए, घूमिए, ताकत दीजिए और इनको भी हम लोग ताकत देंगे। और ताकत हमने दिया है, जब हम सत्ता में थे अत्यंत पिछड़े वर्गों को यहां तो बुलाते ही थे सबको, एमएलसी में एक दिन में 11 जाति को हमने एमएलसी में हमने बहाल किया, नियुक्त किया, सभी तबका सभी यतन पिछड़े वर्गों के लोगों को हम लोगों ने कोई कमी नहीं की लोगों को इज्जत और प्रतिष्ठा देने में। और आगे भी हम लोग, ये पार्टी आपकी है, ये दल आपका है, अपने सिद्धांत पर खड़ा रहना और खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी लोग बोल रहे हैं कि ये वादा किया था रोजी रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और पास बनवाइए, खाता खोलिए, याद है ना आप लोगों, प्रत्येक खाताधारी को खाता में 2-2 लाख सदस्यों को देंगे। हम भी गलतफहमी में आ गए हो कि हो सकता है कि देगा भाई, हाँ 15 लाख, हम ही आपको मालूम होगा कि 7 बेटी 2 बेटा पति और पत्नी इतना लोगों का खाता खुलवाया कि करोड़ों मिल जाएगा, ठेंगा दिखा दिया। राहुल जी गए, अच्छा गए खड़ गए जी। तो आप लोग अखिलेश बाबू, अखिलेश यादव जी ने जिन बातों की तरफ इशारा किया है
उस तरफ ध्यान दीजिए। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और या गठबंधन झारखंड हेमंत सोरेन, ये सब मिलके हम लोग पूरा गुलबंद होकर के इनको यहां से विदा करेंगे, खेलेंगे यहां से। और क्या बोल रहे हैं, हाँ दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बनो लोग ना, हाथ उठाकर बताओ जो तैयार बनेगा, उठा रही है जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी, तेज प्रताप तेजस्वी, तेजस्वी को और मजबूत करना है, मजबूत तो है ही, काफी मेहनत करता, हम सभी बेसी मेहनत कर रहा है भी। कृष्ण मार्गेट नहीं जा, सब लोगों से तेज प्रताप तरुण जब से यात्रा शुरू हुआ।